नमस्कार। आज मैंने बनाई है आलू और मुंगेड़ी की सब्जी। ये बहुत टेस्टी बनती है और बिल्कुल सिंपल सब्जी है। जब भी आपको कुछ सिंपल खाने का मन हो तो आप ये बना सकते हैं। यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं जिन्हें मैंने चंक्स में कट कर लिया। यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं जिन्हें लंबा लंबा कट किया, और यहाँ थोड़ा सा लहसुन लिया है। ये मैंने आधी कटोरी मुंगेड़ी ली है, ये आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाती है। यहाँ मैंने कुकर लिया, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। जब तेल है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। सरसों का तेल है वो हमें अच्छे से गर्म करना होता है। प्याज को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे कम आंच पर। इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जब ये हल्का सा लाइट पिंकिश कलर का हो जाएगा तो इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू को हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। इन सब मसालों को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च, और इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें, और इसे हमें सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें मुंगेड़ी है वो ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। उसके बाद हम कुकर में हैं 3 सीटियाँ लगा लेंगे और इसे भाप में ही रहने देंगे गैस की फ्लेम बंद कर कर। ये बिल्कुल सिंपल सब्जी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। जब भी आपको कुछ हल्का सा सिंपल खाने का मन हो तो आप ये ज़रूर बनाएं। जब 3 सीटियाँ लग जाएगी तो उसके बाद हम इसमें चम्मच से इसको थोड़ा प्रेस कर लेंगे। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है और बहुत फटाफट से बन जाती है। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।